नमस्कार दोस्तों, नेपाल में क्रिकेट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं नेपाल की एक अच्छी पकड़ इस गेम में दिखने वाली है। और इसी को लेकर जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ इंडिया ने क्रिकेट को सपोर्ट करके वहां बढ़ावा दिया, उसी तरह बीसीसीआई अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करेगी जो कि नेपाल को हेल्प करेगा और नेपाल के टैलेंटेड प्लेयर को हेल्प करेगा। साथ ही साथ नेपाल में एक रोबस्ट क्रिकेटिंग इकोसिस्टम भी साउथ ईस्टर्न रीजन में तैयार किया जाएगा। और इसको लेकर एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि नेपाल के सीनियर्स जो कि नेशनल टीम ऑफ नेपाल के हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी दिल्ली में और उनके साथ वार्म अप गेम्स भी खेले जाएंगे यूनाइटेड स्टेट में जाने से पहले T20 वर्ल्ड कप में जो कि जून में होने वाला उसमें जाने से पहले। आपको बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल यानी कि कैन के प्रेसिडेंट चतुर बहादुर ने बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह से नेशनल कैपिटल में फ्राइडे को मुलाकात की और रिक्वेस्ट की कि नेपाल में क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर और क्वालिटी ऑफ गेम पर नेपाल को हेल्प आउट करे। और उनके मुताबिक इंडिया काफी सपोर्टिव और प्रमोशन करना चाहता है क्रिकेट का नेपाल में और इसके चलते कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा और आने वाले समय में नेपाली क्रिकेट पैशन को और ज्यादा उड़ान मिलेगी और ज्यादा तेजी मिलेगी और नेपाली क्रिकेट टीम भी ज्यादा ग्रो करेगी क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेयर्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिसको देखा जा सकता है। आपकी क्या इन सभी चीजों पर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देखते रहे एनआई न्यूज़।